मार्केट के सब तरफ दुकान की बीमारी का टांगे बनता नहीं, ऑटो मार्केट एक घंटे के भीतर
मारेंगे और हमें इस चुनावी रण से बाहर कर देंगे। गुरुजी से हमने वायदा कराया है, न झूठे वायदे करा किसी तय, न किसी झूठ बोलना जी। हम तो सीधी सीधी बात है, हाँसी का जो काम है, जो हाँसी की समस्या है, जो हम कर सका हमारा हाथ में जो होगा उसी बात की हाँ भरेंगे। अर्जम्मा गुरु जी के चरणों की सौगंध, एक गलत काम भी हम बन गए तो नहीं करेंगे जी। काम जो होगा सुथरा सुथरा करेंगे, ईमानदारी से करेंगे, और जो हाँसी का भला होगा, जिसमें आम जनता का भला होगा, वो काम करेंगे। जिस तरह स्कूल बनाना, गुरुजी से मैंने प्रेरणा ली है, गुरुजी ने शुरू से ही सिर्फ एक बात पे ध्यान दिया, बच्चों को पढ़ाने का काम गुरुजी करते रहे हैं। आश्रम में जो ऐसा ये बच्चे हैं, उनको पढ़ाने का काम गुरुजी सालों से करने लग रहे हैं। हमने भी वो बात सीखी और उसी मकसद से हम आगे बढ़ने लग रहे हैं कि हम ऐसा ये बच्चों को, गरीब बच्चों को शिक्षा देना हमारा मुख्य मुद्दा होगा जी, मुख्य काम होगा। भव्य सरकारी स्कूल बनाए जाएंगे, भव्य हॉस्पिटल बनाए जाएंगे, जिसमें गरीब आदमी फ्री में इलाज कर सके। जो गरीब आदमी आज मरने की कगार पर है, जिनको इलाज नहीं मिलता, जिनको दवाइयां नहीं मिलती, जिनके पास पैसे नहीं हैं, उनके बच्चे मर जाते हैं, वो खुद मर जाते हैं। मनोज राठी अगर बना तो हाँसी में ये दो समस्या जड़ से खत्म करने का काम करूंगा, जमा दिल से बन। राठी जी बताइएगा, स्कूल हॉस्पिटल कहाँ बनाओगे आप? भ्रष्टाचार, देखो भ्रष्टाचार आदमियों को तो मैं जनता से भी अपील करूंगा, गुरु जी से भी मैं चरणों में बैठ के इस बात की अपील करूंगा कि आशीर्वाद दे मुझे कि मैं इन भ्रष्ट नेताओं को हाँसी से बाहर करने का काम करूं। मैं तो बताऊं, भ्रष्टाचार नेताओं का अगर मनोज राठी के हाथ में पावर आई तो भ्रष्टाचार नेताओं की जगह जेल में होगी, हाँसी में जगह नहीं होगी। ये भ्रष्टाचार आदमी एक भ्रष्टाचार काम नहीं करते, ये तो लोगों को मरवाने का काम भी करते हैं। सुनने में यहाँ आया कि एक भ्रष्टाचार नेता दोबारा टिकट लाने के चक्कर में है, उसने पहले आदमी मारे हैं भाई, सारी दुनिया ने बेरा, उसने मरवाए हैं लोग, उसने सरकारी जमीनों पर कब्जा करा है भाई, उसने गरीब का अनाज तक बेचा है, सारी दुनिया ने बेरा है इस बात का। उन जैसे नेताओं का इलाज करने का काम आपका बेटा, आपका भाई करेगा, गुरु जी के चरणों की सौगंध। ऐसे आदमी को अगर मनोज राठी के हाथ में कलम आई तो पहली कलम से ऐसे आदमी को सजा देने का काम करेंगे जी।